हरे कृष्णा, मैं सुरभि सात्विक रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक फ्रूट डेजर्ट। इसमें जो फ्रूट यूज़ होने वाला है वो है सभी का फेवरेट मैंगो। ये बहुत ही इंस्टेंटली बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही आसान भी है। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये कोई भी फास्टिंग में हम खा सकते हैं। कोई भी एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, हम इसे बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मिल्की मैंगो बाइट्स। इसके लिए मैंने ली है फ्रेश मैंगोज, कच्चा मिल्क लिया है और ये पाउडर्ड शुगर है। तो पहले हम एक मैंगो लेंगे, इससे अभी हम पील करेंगे। तो पील करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसके साथ इसका ज़्यादा पल्प ना निकले, सिर्फ छिलका ही हम उतारें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ मैं छिलका निकाल रही हूँ। हम इसे आराम आराम से पील करेंगे। ये जो छिलका है ये पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। तो देखिए, हमने इन मैंगोज़ को उसी तरह पील कर लिया है। अब हम इन मैंगोज़ को काटेंगे। अब मैं आपको बता दी उसे किस तरह काटना है। पहले हम इसका दो स्लाइसेस निकाल लेंगे। हमें बहुत ध्यान से ये स्लाइसेस निकालना है। तो अब हमें इसे क्यूब्स में कट करना है, पहले वर्टिकली जैसे अब मैं काट रही हूँ। ये इसी तरह पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं। अब हमने इसे वर्टिकली काट लिया है, अब हम इसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्यूब्स हुए हैं इसके। बिल्कुल इसी तरह हमें काटना है। अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो फिर हमारा मिल्की मैंगो बाइट्स अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी हम ये सेकेंड स्लाइस भी ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने सारे मैंगोज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अब हम इसमें पाउडर्ड शुगर जो हमने लिया था वो ऐड करेंगे। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, पर ध्यान रहे कि ये क्यूब्स जो है वो टूटे नहीं। हमें बहुत ही हल्के हाथों से करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छे से अभी मिक्स हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, अब ये सर्व करने के लिए भी रेडी है। देखिए, हमारा प्लेटिंग होके अभी रेडी है। अब हम इसे पिस्ता और काजू बादाम से गार्निश करेंगे। अब हम इसमें तुलसी पत्ता रख के भगवान को भोग लगाएंगे।
तो देखा आपने मिल्की मैंगो बाइट्स कितना इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप खाइए और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। हरे कृष्णा। मिल्की मैंगो बाइट्स बनाने के लिए हमें चाहिए आम 4, पीसा हुआ शक्कर 1.5 कप, कच्चा दूध 2 कप और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स गार्निश के लिए। मिल्की मैंगो बाइट्स बनाने के लिए आम के छिलके उतार ले और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और एक बोल में निकाल ले। उसमें कच्चा दूध और पीसा हुआ शक्कर डाले और हल्के हाथों से मिला ले, फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश करे। हमारा मिल्की मैंगो बाइट्स सर्व करने के लिए तैयार है।